जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, सारे बोलो, जोर से बोलो, आवाज न आई, रोटी न खाई। यार सही में चढ़ाई सी हो रही। अभी हम जा रहे हैं, जू है यहाँ पे एक बहुत फेमस नैनीताल में। अरे मम्मी ने पौधे देखे कहे फाड़ ले, चलो आते टाइम ले लेंगे। अरे दो तीन रास्ते जाते हैं बताए यहाँ से, बहुत फेमस जू बताया, बहुत अच्छा। हमें नहीं पता था चढ़ाई है, हम गए थक। और ये क्या है, झरना सा बह रहा है। दो तीन रास्ते हैं, एक ऐसे स्लोप जैसा चढ़ाई वैसी थी, ये सीढ़ियों वाला रास्ता हमने लिया है। सीढ़ियों वाला रास्ता है यहाँ पे, कोई सूर्य होटल बताया, वहां से अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो तकरीबन 100 सीढ़ियां हमें बताई हैं किसी ने, और फिर जू आ जाएगा। अभी हम थक गए तो हम रुक गए हैं। अब हम जा रहे हैं जू, बेंच आ गया, क्यों थक गया तो बैठ गया। अब बत्ती अंगा लग गया, बल्कि वो सीधा रहा था, बल्ले लंबा पड़े, ये उसा आ गया बिना सीढ़ी का, है ना, कि तो पांव उठाना पड़ा ना गणा। हां ये थोड़ा थोड़ा मम्मी मजा आए, हमने एक रील बनाई थी, तू मोटा कितना हो गया है? ये ला देते हैं। और ये क्या है, पानी का पानी, ये रास्ता देख, धुआं धुआं कहां है, धुआं कुछ दिख, उस साइड देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये सूर्या होटल है, ऊपर रास्ता कहाँ है, फोटो खींच लो, खींच लो, ये देखो व्यू, यहाँ खींच लो फोटो, वो दिख रहा कितने ऊपर आ गए हम, ऊपर चढ़ गया। बेटा ये चिड़िया घर की एंट्री 30 रुपए की, बेरानी 100 रुपए की। वहाँ तीन परिक्रमा कर रही हूँ झील की, एक अंदर दो बाहर। जू के एंट्रेंस के वहाँ पहुँच गए थे हम, फिर हमने कुछ रील्स बनाई पहले वहाँ पे, फिर हम गए अंदर। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको अंदर क्या क्या देखा हमने, लेट्स गो। और ये मुझ में मस्ती छाई हुई है, शुरू हो जाती हूँ कहीं भी कि यहाँ रील बना दो, वहाँ रील बना दो। आयरन कैसा है रे तू, अब हम पहुंच गए हैं नैनीताल जू में। ये यहाँ पे कहीं एंट्रेंस है, एक तो चढ़ाई नहीं खत्म हो रही है। आ गया फाइनली टिकट काउंटर, वो रहा ऊपर। मम्मी और भाई चल रहे हैं आगे आगे, जू किचन अच्छा है। यहाँ जू में ना एक 3D शो है फिशेस का, तो पहले हमने उसकी टिकट भी ली थी, तो वो देखने गए थे हम पहले, उसके बाद फिर हमने जू देखा बाकी का। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, लाइफ ऑन अर्थ।
ये इंसान पहले ऐसा था, बंदर रूप में मानो आया है, फिर यहाँ पे खड़ा होकर चलना सीखे, आग जलाना सीखे पत्थरों से, और फिर उधर वाले वाले ये बना के ये चलाने सीखे, थोड़ा वे जानवरों के खाल वाल पहनने लग गए, ये चीजें सीख ली। पहले तो ऐसे ही रहते थे, फिर अब ऐसे हो गए। मेरे को देख बोल रहा है ये बंदा, क्यों बोल रहा भाई, तेरा कुछ ले रखा है क्या रहने, ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ, स्मार्ट है तू, ठीक है ये भाई। सत्य में विजय थे, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, एनिमल किंगडम। कहाँ गए हो? क्लासेस ले लिए, 30 मिनट्स का है, 30 नहीं 30। कभी मारे ऊपर आऊंगी।
जबरदस्त पैसा वसूल हो तो 30 रुपए की है। 30 रुपए की इतनी सस्ती, 300 की होती तो भी पैसा वसूल थी। 13 मिनट की वीडियो थी, बहुत सुंदर और मस्त लगी। मन कर रहा है दोबारा देखा है वो। तो लास्ट बहुत डरावना था, एंड बहुत डरावना था। हाँ, अगर आप कभी यहाँ हो तो आना यहाँ पे। अब हम जू देखने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप कैमरे की निगरानी में। ओके जी, सिल्वर फिश से। हाँ,
अब हम टाइगर देखने जा रहे हैं। बहुत सारी सीढ़ियां हैं भाई। यहाँ पे तो थकला नहीं होता। बोलो वेक अप। बुला लो टाइगर को। अभी उसमें नहीं मालूम है। गुड मॉर्निंग बोलता वो सो रहा है। गुड मॉर्निंग। सुन नहीं रहा वो मैनर्स नहीं है उसमें। इतनी लेट तक सो रहा है। उधर तो नो एंट्री है। कौन है उधर होगा। उधर लाइन वगैरह बहुत है। तीन चार है वो। ऊपर इस साइड से ये कितना बता। ये आ गया गया। ये रहा टाइगर। अभी इधर आएगा। इधर आएगा। पहाड़ा है। अलग पे पहाड़ा है। साइड आ हुआ। आगे आगे अलग पार्टीशन है इसका। हां वो दो जाल के पीछे है ना वो। ये जाल का अलग रख के बैंड है। ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है। उधर भी दिख रहा है। उधर आया। ओए गया उधर। अभी आएगा इधर। चलो चलते हैं। आ गया। एक चीज देखी है। देख वीडियो में दिखाऊंगी। आप गए आपकी प्रतीक्षा में टाइगर टाइगर रेड पांडा और पार्किंग डियर लेपर्ड सम्बो। ये देखो भाई आ गए। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो लेट्स गो। गोल्ड टाइगर लड़ी भी लगे इनको 4-5 हजार से ऊपर था। कहीं दिख रहा था। अभी फिर लेट गया तो वो बिल्कुल दिख नहीं रहा। इसको होल्ड कर लेते हो। डर गया वो सबसे। हम सबसे डर के छिप गया वो है ना। हाँ ये नाम लिख रहे हैं। ये बेरा ना किछी पर है। मर तो डर गए सारे। कितना है वो रहा दे वो कोने में। रात ने चौकीदारी कर अपनी जगह सारे सोन लग गए जानवर। हाँ मैं जू में देखने के आए। बेरा नहीं चढ़ाई छड़ा है बस। उठ जा। हेलो यही पे होता है वो। कूद के तो नहीं आ जा है पक्का। अरे उस साइड वो गहरा उसके जितने भी तनाव कर सको उसका दीवार के उस साइड वो कूद रहा है। अच्छा डियर बुलाओ। फिर सो गया। बॉडी हिट है तो मुंह छिपा लिया। अब हमें दिख गया ये साफ सड़क भाई। शेर खा गया। शेर एक पीला पीला दिख रहा है यहाँ पे। देखो भाई हम बहुत ज्यादा चढ़ाई करते करते आए ऊपर तक। ये नीचे देखो कितना नीचे बहुत नीचे से आए। हम वैष्णो देवी जितनी चढ़ाई कर चुके हैं और जितने भी जानवर थे सारे सो रहे हैं। किसी की कोई फायदा नहीं है।
किसी का एक डॉट डॉट दिखा है, किसी का कुछ भी नहीं दिखा है। मतलब बेकार में इतनी चढ़ाई चढ़ गए, क्योंकि जानवर अभी क्या कर सकते हैं, उनको बोल तो नहीं सकते कि लोग आए हैं तुमको देखने भाई। इतनी और नीचे बोर्ड पे ही उन्हें अभी इतनी एक हिरन दिखा है, बाकी सब बाकी वही है। इंसान और जानवर में ना यही फर्क होता है, उनमें कॉमन सेंस नहीं होती ना, कि लोग इतनी चढ़ाई चढ़ के आते हैं, तुम्हें देखने आए हैं, उठ लो भाई अपने आप को दिखा दो, तो ऐसा कोई नहीं सोचता। और नीचे बोर्ड लगा हुआ इधर देखो, आपका इंतजार कर रहे हैं, ये देखो इतनी ऊंचाई पे है कि ये देखो मत। चिन्ना चिन्ना हमने सारी पैदल चढ़ाई करी है इनको देखने के लिए कि बहुत सुंदर वो है नैनीताल का जू, बहुत ही अच्छा है। पर अच्छा तो अच्छा तो हाँ, वहाँ पे अच्छी एक ही चीज थी, वो जो 3D वाली फिल्म थी गजब थी भाई। हम कोई उसी की सारी टिकट लेके इसके नाम की टिकट वही लेते, उसी को चार बार देख लेते तो अलग ही मजा आता है ना शालू। हाँ हम 3D वाली टिकट 3-4 खरीद लेते, रिपीट में वो देख ले तो अभी है भी इतनी ऊंचाई पे कि हम ये दोबारा भी देखने हैं तो व्यू लगेगा। हाँ अब अगली कैसे बार कोई इसका इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ 3D वाली की टिकट लो, उसको 4 बार रिपीट में देखो, मजे आ गए बिल्कुल इसमें। बाकी तो सब कुछ सो रहे हैं। ऊपर क्या चीज है? एक लिखा है रेड पांडा भाई, हमें लाल फूल तो दिख रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, रेड है सिर्फ। फूल अच्छे हैं। नो पांडा इज देयर, पांडा वेयर आर यू। एक बोर्ड लगा हुआ है फ्री रंग पंग बर्ड्स, लेकिन दिखे तो है नहीं कुछ, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या है। सेव वाइल्ड लाइफ, ओके वी आर सेविंग, वी आर प्योर वेजिटेरियन, वी रिस्पेक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये है यहाँ पे क्या, ये गुलदार यो रहा टांड पर चड्डा बैठा है यो इका। इसका स्विमिंग पूल भी है जो इसमें नहावेगा, और यो रस्सी सी पे चढ़ के झूला सा झूला भी है इसका, झूला भी है ये रस्सी से चढ़ रहा है। झूला झूल के दिखा झूले से आए पर दूसरा का है रस्सी से चढ़ रहे हो, सो रहा है तो सोतो महाराज। दोबारा सो गया, उठ जा उठ गया। यो खरगर इधर आ रहा है, ये साथ में क्यों नहीं बैठे, इनकी लड़ाई हो रही है, अलग अलग बना रखी है, देखिए उसका बंद है वो बंद। अच्छा। है आपस में भी लड़कट मर जाए। हाँ, उसका ना लड़ाई बड़ाई करे, देख ये एक्टिव हो गया, देखिए उधर देख रहा है, सो गया। गुड नाइट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, आई लव नैनीताल। जू हम देखा है, अभी जहां से हमने टिकट्स ली थी
उस एंड पे हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ज्यादातर एनिमल्स सो रहे थे, छिपके सो रहे थे, कि ये भी नहीं था कि सोते हुए दिख गए हो। ठीक था। तो गाइज ये था नैनीताल जू। इसमें हमने आपको दिखाया कि हम कितनी चढ़ाई करके गए तब जाके हम जू में पहुंचे, और सुना था कि बहुत अच्छा है। ऐसा मे बी कोई पर्टिकुलर सीज़न में वो ज़्यादा एनिमल्स को ऐसे रखते होंगे, अब इतने नहीं थे और जो थे वो सो रहे थे। और सबसे पहले एंटर करते ही हमने एक जो टिकट ली थी, आपको भी काफ़ी वो उसका पार्ट हमने दिखाया, फिशेस की जो 3D मूवी थी वो सबसे बेस्ट पार्ट था यहाँ का। और दूसरा व्यू तो एक नैनीताल का यहाँ से दिखता है जो वो है ही मस्त, तो अच्छा था। आप जब भी जाएँ ज़ू भी देखिए, लेकिन जब भी आप वहाँ पर जाएं नैनीताल तो जो वो 3D शो था ना फिशेस वाला, वो ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मस्त। तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।